आइए, फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी बच्चे लोग, 17-18 साल के बच्चे हमारे पास में आते रहते हैं, काउंसलिंग के लिए आते रहते हैं, या उनके माँ बाप उनको लेके आते हैं, और उनके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं सेक्स के बारे में। और सबसे एक अहम सवाल जो रहता है वो ये है कि क्या शादी के पहले मैंने सेक्स करना चाहिए। अब इसका जवाब ना मैं हाँ में दे सकता हूँ, ना मैं ना दे सकता हूँ। वो अपनी अपनी मर्जी है, मगर उसके पहले हमको कुछ देखना चाहिए कि क्या इसमें इसका बैकग्राउंड क्या है, ये सवाल क्यों आ रहे हैं। एक तो है कि अभी काफ़ी बच्चे घर से बाहर रहते हैं हायर एजुकेशन के लिए। उनका एजुकेशन जो है वो लंबा चलते रहता है, 25 साल, 28 साल, 30 साल तक एजुकेशन चलते रहता है। माँ बाप यदि बिजी है तो माँ बाप के साथ में कोई इमोशनल कांटेक्ट नहीं है, फैमिली के साथ में इमोशनल कांटेक्ट नहीं है। इमोशनल सपोर्ट उनको बाहर से ज़्यादा मिलता है, उनके दोस्तों के साथ में ज़्यादा मिलता है, दोस्तों के साथ में ज़्यादा समय बिताते रहते हैं। लोग अभी लेट मैरिज करते। पहले ऐसा था कि भाई 18, 19 साल, 20 साल हो गए तो उसके पहले ही शादियाँ हो जाती थी। अभी शादी जल्दी होती नहीं है, 30 साल तक एजुकेशन चलती है, बाद में फिर सेटल होना। 32, 33 साल में जब शादी हो रही है तो तब तक अपना जो शरीर है वो चुप नहीं बैठता, वो शांति से नहीं बैठता, वो हार्मोन्स जो है वो तो बाहर उबल उबल के आते रहते हैं। फिर लोग बोलते हैं क्या मैं लिविंग रिलेशनशिप में रह सकता हूँ, लिविंग रिलेशनशिप साथ में रह सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे सवाल आते हैं। यदि पेरेंट्स को पूछा क्या आप, क्या आपके बच्चों को हमने सेक्स के लिए परमिशन देना चाहिए, पेरेंट्स बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे, नहीं नहीं ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। अच्छा, दोस्त को उन्होंने पूछा क्या मैंने सेक्स करना चाहिए शादी के बाद, दोस्त हंसेंगे, बोले तू अभी भी वर्जिन है, अभी भी तूने सेक्स नहीं किया, ऐसा दोस्त बोलेंगे। पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा उनके ऊपर पूरा विश्वास है। मगर जब बहुत ही कुछ तो भी बम फूट जाता है, एबॉर्शन की बात आती है, तब उनकी आंखें खुल जाती है, कह रहे ऐसा कैसा हुआ, ये मेरे घर में हुआ ही कैसे, घर में सेक्स के बारे में कोई बात नहीं करता, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ में बात नहीं करते, सेक्स एजुकेशन दिया नहीं जाता। लोगों को सेक्स एजुकेशन मिलता है तो वो कोई फालतू जो वीडियोस है जिनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं, वहाँ से लोग लेते हैं, उनका उनका नॉलेज वहाँ से मिलता है उनको। गवर्नमेंट ने कोई प्रोग्राम चालू किया सेक्स एजुकेशन, उसमें ऐसी छोटी छोटी बातें रहती कि जो बच्चों को पहले से ही मालूम है उससे ज़्यादा मालूम है बच्चों को। फिर लोग कहाँ से मालूमात कर लेते हैं, लोग फ्रेंड्स के मालूमात, मतलब बच्चे फ्रेंड्स से मालूमात कर ले सेक्स के बारे में, यूट्यूब से देख लेते हैं, गूगल से देख लेंगे, कोई वीडियोज अलग अलग तरह से देख लेंगे, कोई किताबें पढ़ेंगे जिसको साइंटिफिक बेसिस भी नहीं होगा। पेरेंट्स के नज़र से इसमें सॉल्यूशन क्या है, इसमें करना क्या चाहिए? उनको शरीर चुप नहीं बैठने देता, शरीर तो बोलता है कि नहीं, क्योंकि जो हार्मोन्स बड़े जोर जोर से अंदर से जोर से बाहर आ रहे हैं, अभी उनको लगता है कि भाई इमोशनल सपोर्ट मुझे दोस्त से मिल रहा है, क्या मैंने सेक्स करना चाहिए। जब वो साथ साथ रहते हैं, काफ़ी समय तक एक साथ काम करते हैं, तो फिर फिजिकल इंटीमेसी भी, शारीरिक संबंध भी होना चालू हो जाता है। मतलब शारीरिक दृष्टि से वो बहुत एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हर पेरेंट को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे घर में नहीं आएगा, ये तो बाजू वाले के घर में होगा। मगर बच्चा क्या करेगा, बच्चा तो वही करेगा जो दुनिया में हो रहा है। 18 साल के बच्चे होने के बाद में उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी मैं तो मेजर हो गया, अभी मैं वोटिंग कर सकता हूँ, अभी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पेरेंट्स का ये काम है कि बच्चों को पास में लेके बैठना, उनको सेक्स एजुकेशन देना, उनको ये बोलना कि देख बेटा या बेटी जो भी है कि तुम्हारी उम्र 18 साल की हो गई है, अभी इसके फायदे क्या क्या है, इसके नुकसान क्या क्या है, पूरी साइड प्लस माइनस उनको बोलनी पड़ेंगी, उनको बताना पड़ेगा, उनको ये बताना पड़ेगा वो लड़की को, आपकी लड़की है तो, कि क्या आप वो लड़की के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपका इमोशनल अटैचमेंट, फिजिकल अटैचमेंट होने के बाद में वो आपको छोड़ेंगा नहीं, वो आपको भूलेंगा नहीं, वो भुला नहीं पाएंगा तो घर के बाहर चक्कर लगाते रहेंगे, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता रहेगा। क्या आप बच्चों के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो वीडियो नहीं लेंगे, वो व्हाट्सएप के मैसेजेस जो है उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, या आपके कॉल टैप करके उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेगा? क्या आपको पक्का विश्वास है कि शादी के बाद में वो बीच में, कभी शादी के बाद में वो वहाँ घर में पहुँच जाएंगा और वहाँ डिस्टर्ब करेगा? तो ये सब हमको बच्चों को सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि इसका, इसके क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या क्या हो सकता है। लोग बोलते नहीं नहीं हमको तो कैसा मालूम पड़ेगा कि मैं सक्षम हूँ कि नहीं हूँ। कुछ लोग ऐसे हमारे पास में आते कि मैं पोटेंट हैं कि नहीं हूँ, मेरे को देखना है, मेरे को टेस्ट करना है। कुछ तो लड़के वाले ऐसे रहते हैं कि बोलो नहीं, हमको लड़के के बारे में ऐसा मालूम पड़ा कि वो नपुंसक है,
तो हमको अभी टेस्ट करवाने का है कि वो पोटेंट है क्या, वो सेक्स कर सकेगा नहीं कर सकेगा, इसके लिए हमको टेस्ट करना जरूरी है। वो अभी बताओ क्या करना, तो उसको टेस्ट करवा के लाओ हमारे पास में सेक्स वर्कर के साथ में। यानी इस तरह के लोग हमारे पास में आते हैं, तो वो एक अलग पॉइंट हो गया कि भाई वो टेस्ट करने के लिए खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं उसके लिए, या फिर मतलब कुछ तो भी ऐसा है कि उसके लिए मजबूरी उसको करना पड़ रहा है कि भाई किसने कुछ एलिगेशन कर दिया, या फिर खुद को आत्मविश्वास नहीं कि मैं कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, उसके उसमें मन में गलत फहमियाँ हैं कि मैंने बहुत मास्टरबेशन कर लिया, हस्तमैथुन कर लिया, अब मेरी लिंग में कठोरता नहीं आती है, तो क्या मैं सेक्स कर पाऊंगा, क्या मैं मेरे पार्टनर को मतलब समाधान सुख दे सकूंगा कि नहीं दूंगा, ऐसे काफ़ी सारे मन में उसके सवाल आते होंगे। तो वो टेस्ट करने के लिए सेक्स कर सकता है, वो एक बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि इमोशनली अपोजिट सेक्स के साथ में इन्वॉल्व हुए हैं शादी के पहले, ड्यूरिंग एजुकेशन, ड्यूरिंग जॉब, और फिर शादी अभी होने को बाकी है और आप सेक्स में इन्वॉल्व हो गए, उसके साथ में सेक्स कर रहे हैं। सबसे पहले महत्व की बात है कि हर पेरेंट ने यह जानना जरूरी है कि उनके बच्चों को कोई प्रॉब्लम यह एरिया में आ गया तो सबसे पहले वो अपने पेरेंट्स के पास में जाएंगे। उनको इतनी सहूलत होनी चाहिए, इतना फ्रेंडली रिलेशनशिप होनी चाहिए पेरेंट्स के साथ में कि वो कुछ भी हो गया तो वो पेरेंट्स के पास में आएंगे, ना कि वो दुनिया में जाएंगे और वहाँ सॉल्यूशन ढूंढेंगे। तो ये बात होती है तो बहुत ही अच्छा है। इन शॉर्ट क्या है, पेरेंट्स ने अपने बच्चों को एजुकेशन देना, इसके बारे में इसके क्या नुकसान है, क्या प्रॉब्लम्स है उसके बारे में, क्योंकि आपको पता है कि एड्स है, मतलब HIV यदि इन्फेक्शन हो गया तो, या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो गया तो, प्रिकॉशन नहीं लिया तो, मतलब कुछ भी संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो वो हम उनको सब मालूमात कर देते हैं और फिर जो भी करना है वो मर्जी करो भाई, वो आपकी मर्जी है फिर, क्योंकि 18 साल के ऊपर तो हर एक की मर्जी है, हर एक का डिसीजन अपना अपना होता है कि करना कि नहीं करना। तो पेरेंट्स ने सतर्क रहना जरूरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं वो बाजू वाले के घर में प्रॉब्लम होगा, मेरे बच्चे अच्छे हैं भाई, हमारे यहाँ कुछ नहीं होगा, ऐसा मत समझो। आज ऐसी स्थिति है सोशल मीडिया के माध्यम से कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो वो पिछड़ा हुआ माना जाता है, डेटिंग नहीं कर रहा है तो पिछड़ा हुआ माना जाता है। आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है बोले तो ऐसा मतलब उसके तरफ देखेंगे, कह रहे ऐसा कैसा है, गर्लफ्रेंड कैसे नहीं है, मतलब इस तरह का उसको पिछड़ा हुआ व्यक्ति माना जाएगा। तो ये दुनिया में हम रह रहे, दुनिया बदलते जा रही है, तो ये दुनिया में हमको हमारे बच्चों को सपोर्ट करना जरूरी है, और उनको नॉट ओनली मतलब फिजिकल सपोर्ट है, उनको इमोशनल सपोर्ट दे के एक उनको ऐसी जगह निर्माण करना कि वहाँ वो आके फ्रीली बात कर सके। बच्चों की नज़र से दुनिया को देखना जरूरी है, ना कि पेरेंट्स ने अपनी नज़र से, क्योंकि पेरेंट्स जो बात कर रहे हैं वो 30 साल पहले की बात कर रहे हैं, बच्चा भी 30 साल का हो चुका है। तो हमारे ज़माने में ऐसा था, हमारे ज़माने में वैसा, वो बात कृपया मत करो, अभी ज़माना बदल गया है। तो ये सब देख लेते हैं आप, उसके प्लस माइनस साइड्स, प्रोज एंड कॉन्स, तो फिर निर्णय आपका होगा कि सेक्स करना कि नहीं करना। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। हम ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं, हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, जो हॉस्पिटल में हम मनोरुग्ण का इलाज करते हैं, मतलब हिसारों के साथ में इलाज करते, हिसारों के अलावा इलाज करते हैं और लोगों को अच्छा कर लेते हैं। हमारा मिशन जो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य, व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।